आज सम्यक तप पद की आराधना का दिवस है। सास्वती नौपद जी की ओली की आराधना अनेक महानुभाव, अनेक हमारे श्राविक, अनेक श्रावकगण यहां पे कर रहे हैं, और उसी में आज सम्यक तप पद की आराधना। और आज के समय को देखते हुए लगता है जब प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा का गायन करने हम बैठे हुए हैं, जब प्रभु पार्श्वनाथ का स्मरण करने हुए हम बैठे हुए हैं, तो आज के समय को देख करके लगता है कि शायद आज के समय में भूखे रह करके तप कर लेना बड़ा सरल है। एम्बिल हो जाना हो जाता है, उपवास हो जाना हो जाता है, एकासना करने की भावना बनाए हो जाते हैं, किसी की अट्ठाई हो जाती है, किसी के 15 उपवास हो जाते हैं। आज के समय को जब देखते हैं, आज के लोगों को जब देखते हैं, तब निश्चित तौर पर मुझे कहने का मन होता है कि तप पद की आराधना यदि सही मायने में हम करना चाहते हैं तो हमें 3 तरह के तप हमारे जीवन में लाने चाहिए। मैं बता देता हूं आपको, आज जो सम्यक तप पद की आराधना है, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि 3 तरह के तप यदि हमारे जीवन में हो तब जाकर के हम सम्यक तप पद की आराधना कर पाएंगे। पहले नंबर में सहनशीलता नाम का तप, जो आज किसी के पास नहीं है। हम परमात्मा पार्श्वनाथ की स्तुति में प्रतिदिन बोलते हैं, कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु। कमठ और धर्मेंद्र दोनों में तुल्य मनोवृत्ति रखने वाले, सहनशीलता नाम का तप आज किसी के पास नहीं है। थोड़ा भी सहन करने की तैयारी नहीं है, थोड़ा भी बेरिंग की भावना हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए हम हर हमेशा दुखी होते हैं। हर स्टेप पे, हर कदम पे हमें जीवन में दुख मिलता है, क्योंकि थोड़ी भी सहन करने की तैयारी हमारी नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तप पद की बात है तो निश्चित तौर पर समझ लेना, जीवन में एम्बिल उपास कम ज्यादा हो जाएंगे कोई बात नहीं, शरीर की शक्ति के अनुसार हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पहले नंबर का तप है सहनशीलता। पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा भक्ति अनुष्ठान करने के लिए बैठे हैं तो मन में भाव जगाइए कि परमात्मा तेरे दर्शन करते करते इतनी भावना मन में पैदा करना कि थोड़ी सी सहन शक्ति हमारे जीवन में आ जाए। थोड़ा सहन कर ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा। परमात्मा महावीर ने 27 भवों तक सहन किया, 12.5 साल तक सहन किया, तब जाके वो परमात्मा बने। प्रभु पार्श्वनाथ ने 10 भवों तक सहन करते रहे, कमठ परेशान करते रहा, मरुभूति परेशान करते रहा, परमात्मा सहन करते रहे, इसीलिए आज वो पूजे जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, गुरु प्रेम ने यह संदेश दिया है कि जीवन में यदि लेट गो की भावना, सहनशीलता की भावना आपके जीवन में है तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। पहला तप है सहनशीलता, दूसरा तप है श्रवणशीलता, सुनने की ताकत पैदा करो। आज कोई किसका सुनने तैयार नहीं है, आज संसार में ये हालात है, न बेटा बाप का सुनने को तैयार है, न शिष्य गुरु का सुनने को तैयार है, न बेटी माँ का सुनने को तैयार है। श्रवणशीलता, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर जीवन में श्रवणशीलता पैदा करो, सुनने की ताकत पैदा करो। सुन लेना यह भी तो आज के समय में बड़ा तप कहा जाता है। हम सुनने को तैयार नहीं, जहां एक्शन आया नहीं कि हमारा रिएक्शन तैयार है। अभी तो एक्शन खत्म ना हो उसके पहले रिएक्शन मोड पे हम आ जाते हैं। सामने वाला अभी तो बात पूरी करे उसके पहले हमारी बात शुरू हो जाती है, ये आज के युग की मानसिकता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझना, यदि तप करना चाहो, सम्यक तप आपके जीवन में लाना चाहो, और एक चीज निश्चित तौर पर यह समझना, एम्बिल उपवास सब नहीं कर सकते, एकास्ते सब नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 तप ऐसे है जो संसार का हर प्राणी कर सकता है। पहले नंबर में क्या बताया, क्या बताया, सहनशीलता नाम का तप जीवन में पैदा करो, दूसरे नंबर में श्रवणशीलता नाम का तप जीवन में पैदा करो, और तीसरे नंबर में संतुष्टता नाम का तप जीवन में पैदा करो। संतोष नाम का गुण लाओ जीवन में, ये भी एक तप है। आज आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, भागने दौड़ने में उसका जीवन निपट जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि थोड़ा ठहराओ, थोड़ी शांति, शांति से बैठ जा, कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं। इसलिए कहा कि संतुष्टता नाम का तप भी, संतोष नाम का गुण जिसके जीवन में आ जाए उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 3 तरह का तप, पहले नंबर में सहनशीलता, दूसरे नंबर में श्रवणशीलता, तीसरे नंबर में संतुष्टता, ये हमारे जीवन में यदि आ जाए तो सम्यक तप की आराधना हमारी
सार्थक हो जाए, वरना कितने आयंबिल उपवास कर ले, वरना कितने एकास्ते कर ले, वरना कितना तब त्याग कर ले, लेकिन भीतर में थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं है, थोड़ी सी भी समता नहीं है, थोड़ी भी सुनने की ताकत नहीं है, थोड़ा भी संतोष हमारे जीवन में नहीं है, तो समझ लेना ये तब हमारे लिए बेकार हो जाएगी। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।